अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी स्पेशल डेटा मॉडलिंग क्लास। आज के क्लास लेक्चर के अंदर हम जियो डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ArcGIS के अंदर मॉडल बिल्डर के ऊपर बात करेंगे कि जो मॉडल बिल्डर है हमारे डिफरेंट जियो प्रोसेसिंग फंक्शंस को ऑटोमेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि मॉडल बिल्डर को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, जियो डेटाबेस के अंदर मॉडल बिल्डर किस तरह से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इसकी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो मैं आपको दूंगा और इसको किस तरह से बनाया जाता है और इसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। जियो डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस के ऊपर हमने इससे पहले लेक्चर्स के अंदर काफी डिटेल में बात की है। जियो डेटाबेसेस को हमने काफी डिटेल में पढ़ा, टाइप्स ऑफ जियो डेटाबेसेस के ऊपर डिस्कशन हुई। इसके अलावा जियो डेटाबेसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसमें डेटा कैपेसिटी, डेटा को होल्ड करने की कैपेसिटी, ठीक है, और इसके अलावा इसके साथ साथ जो डिफरेंट इसकी टेक्निकल टर्म्स थी उसके ऊपर हमने डिस्कशन की। जियो डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस को जस्ट हम गो थ्रू करते हैं कि जियो डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस जो है वो क्या है। बेसिकली ये जियो डेटाबेस डिजाइन जो एजरी ने बनाए हैं, एजरी का जो डिजाइन प्रोसेस है वो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि इसके जो टेक्निकल स्टेप्स हैं ये बॉटम पे आपको नजर आ रहा है कि टेक्निकल स्टेप्स जिनको आपको जियो डेटाबेस डिजाइन करते वक्त इन टेक्निकल स्टेप्स को करने की जरूरत है। उसमें सबसे जो पहला स्टेप है वो है आपकी आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स ऑफ GIS। सबसे पहले आपके पास जो डेटा है, जो GIS प्रोडक्ट है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको आप आइडेंटिफाई करें आपके पास किस किस्म का डेटा मौजूद है किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल हेल्थ के प्रोजेक्ट के लिए, एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट के लिए, सेंसस के प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, डिफरेंट जो आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं GIS प्रोजेक्ट्स, उनमें आपको जो जो डेटा अवेलेबल है उसकी इंफॉर्मेशन और जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आपके पास जो डेटा है कौन से फॉर्मेट में अवेलेबल है, किस तरह का डेटा है, किस टाइप का है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको जो सेकंड स्टेज है या सेकंड स्टेप है, दैट इज द आइडेंटिफाई द की डेटा थीम्स पर रिक्वायरमेंट्स। जो आपके डेटा थीम्स हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि जो हमारा थीम है, लाइक वो हेल्थ हो सकता है, वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, वो एग्रीकल्चर हो सकता है, वो हमारी सेंसस हो सकती है, वो यूटिलिटी सर्विसेज हो सकती हैं, वो इमरजेंसी सर्विसेज हो सकती हैं, ये हमारा थीम है। तो हर थीम के लिए आपको पता है कि जो डेटा हमें चाहिए वो डिफरेंट चाहिए, तो हमें उन डेटा को और जो उसके इंफॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करना जो है वो जरूरी है। देन स्पेसिफाई स्केल रेंजेस एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें अपनी जो स्केल है, स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उसको स्पेसिफाई करना है, ठीक है, कि हम स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि हम उसको किस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, सिटी लेवल के ऊपर, प्रफेक्चर लेवल के ऊपर, यूनियन काउंसिल के ऊपर, वार्ड लेवल के ऊपर, नेशनल स्केल के ऊपर, प्रोविंशियल स्केल के ऊपर, रीजनल स्केल के ऊपर, ये डिफरेंट स्केल्स हैं जिसके ऊपर आप कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ सिटी वाइड एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसमें जो आपकी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट है। उसी थीम के ऊपर अगर आप सूबे के अंदर काम कर रहे हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। सिमिलरली अगर नेशनल लेवल पे के ऊपर वो काम है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, क्योंकि ये GIS प्रोजेक्ट जो है ये डिपेंड करता है कि आपकी जो स्केल है, स्पेशल स्केल, वो क्या है, कि आपका GIS प्रोजेक्ट सिर्फ एक काउंटी तक महदूद है, एक तहसील तक महदूद है, डिस्ट्रिक्ट तक महदूद है, शहर के अंदर महदूद है, शहर के अंदर किसी एक सब रीजन में तक वो लिमिटेड है, या वो एक सूबे के ऊपर चल रहा है, या वो पूरे कंट्री के अंदर चल रहा है, ठीक है। अभी प्रेजेंट अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली पिछले वीक में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने
पूरे पाकिस्तान में जीआईएस मैपिंग का जो है वो आगाज किया। आपने टीवी के ऊपर भी इसकी खबर सुनी होगी, और ये सारा प्रोग्राम और इसका प्रोजेक्ट जो है ये एनएचई की वेबसाइट के ऊपर आपको वहां पे मिल जाएगा। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के अंडर जो भी रोड या कम्युनिकेशन लाइंस आती हैं उनको डिजिटाइज करने का प्रोसेस जो है वो उन्होंने इनिशिएट किया है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली कंट्री वाइड प्रोजेक्ट है, नेशनल लेवल के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें जो आपने डेटा कलेक्ट करना है या डेटा जिसको डिजिटाइज करने की जरूरत है वो आपको सिटी लेवल तक का डेटा जो है, और सिटी के आगे मजीद सिटी के अंदर उसके सब रीजन्स का डेटा जो है उसको भी कलेक्ट करने की और आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज डीकम्पोज ईच रिप्रेजेंटेशन इनटू जियोग्राफिक डेटा सेट। आपके जो रिप्रेजेंटेशन है उन सबको आपने अलग अलग एक एक सेपरेट जो है वो जियोग्राफिक डेटा सेट के अंदर उनको आपने स्टोर करना है अपने जियो डेटाबेसिस के अंदर। ठीक है, डिफाइन द टेबुलर डेटाबेस स्ट्रक्चर बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, आपको अपने डेटा का जो टेबुलर डेटा है टेबुलर डेटाबेस का स्ट्रक्चर बिहेवियर एट्रीब्यूट्स इसको डिफाइन करने की जरूरत है। ये जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा मॉडल्स हमने पढ़े थे, इन इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा मॉडल्स में मैंने आपको बताया था और आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाई थी कि वो जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा मॉडल्स हैं उनमें जो टेबुलर डेटा मॉडल है उसका स्ट्रक्चर और उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, और वो प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके जियो डेटाबेस का हिस्सा है। सो इसको आइडेंटिफाई करना और इसको डिफाइन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जो जियो डेटाबेस बना रहे हैं वो जियो डेटाबेस आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबर्स के साथ भी शेयर होगा एंटरप्राइज जियो डेटाबेस की सूरत में, और वो एंटरप्राइज जियो डेटाबेस जो है उसके ऊपर जब डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो काम करते हैं और अपना अपना डेटा जो है उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनके लिए एक यूनिफॉर्म किस्म का जो डेटा और टेबुलर स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, डिफाइन द स्पेशल बिहेवियर रिलेशनशिप एंड इंटीग्रिटी रूल्स। ठीक है, आपको टोपोलॉजी डिफाइन करनी है, आपको उसमें जो स्पेशल बिहेवियर और उनके रिलेशनशिप्स हैं उनको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से आप अगर एक बाउंड्री लाइन्स डिजिटाइज कर रहे हैं या आपके पास डिफरेंट बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज के ऊपर ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही, अगर रोड जो है वो किसी जगह पे आप डिजिटाइज कर रहे हैं या आप किसी और शख्स ने डिजिटाइज किया है वो रोड और वो आपके बाकी डेटा के साथ मैच नहीं कर रही या मैच कर रही है, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको उनके जो रूल्स हैं उनको डिफाइन करना पड़ेगा। ये जो स्पेशल बिहेवियर और रिलेशनशिप है ये सारे के सारे टोपोलॉजी रूल्स के अंडर जो है वो आते हैं। तो आरजीएस के अंदर एक टोपोलॉजी डिफाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल है, उसके अंदर ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने डेटा के ऊपर टोपोलॉजी जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं और इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप फीचर्स को उसमें ऐड कर सकते हैं। प्रपोज अ जियो डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, उसके बाद आप एक जियो डेटाबेस डिजाइन को प्रपोज करते हैं। ठीक है, डिजाइन एडिटिंग वर्कफ्लोज बनते हैं उसके बाद। ठीक है, मैप डिस्प्ले प्रॉपर्टीज उसको देखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये किसी एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है, इसमें टीम्स के अंदर काम किया जाता है। जब किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो डिफरेंट लोग मिल के उस प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं और उसके एडिटिंग की स्टेज के ऊपर उसमें जो उसके एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं उसके प्रोज कॉन्स उसके ऊपर काम करने के बाद उसको फाइनलाइज किया जाता है। उसके बाद फिर असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग। ठीक है, जो उस डेटाबेस के मैनेजर्स हैं डेटाबेस मैनेजर्स हैं या डेटाबेस डेवलपर्स हैं उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है और उनको डेटाबेस को मेनटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो असाइन की जाती है। ठीक है, आपके पास जियो डेटाबेस डेवलपर्स हैं, आपके पास सिंपल डेटाबेस डेवलपर्स हैं, डिफरेंट तरह का डेटा जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है और वो डिफरेंट टाइप्स का डेटा जो है वो यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट डेटा सेट्स जो है उनके सोर्सेज डिफरेंट हैं, तो उनको एक दूसरे के साथ कंपेटिबल बनाने के लिए जो डेटाबेस डिवेलपर्स या डेटाबेस मैनेजर्स हैं उनका काम है, उनकी ड्यूटीज़ हैं
कि वो उस डेटा को मेंटेन करें और उसको मैनेज करें, ठीक है। उसके बाद जो है बिल्ड अ वर्किंग प्रोटोटाइप, रिव्यू, रिफाइन एंड डिज़ाइन। आप एक वर्किंग प्रोटोटाइप बना लेते हैं और उस वर्किंग प्रोटोटाइप को या आपका जो टेम्पलेट है, इसको आप कह सकते हैं कि टेम्पलेट है या प्रोटोटाइप है या एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आपके पास एक जियो डेटाबेस जो है वो तैयार है, तो उसके ऊपर जो आपकी टीम मेंबर्स हैं, जो जीएस मैनेजर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, उसके डिज़ाइन को मजीद रिफाइन करते हैं ताकि उसके अंदर अगर कोई सोर्स ऑफ एरर्स मौजूद हैं तो उसको रिमूव किया जा सके। ओके, उसके बाद ये जियो डेटाबेस जो है इसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। जियो डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो गया और आपका ये पूरा प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके लिए जो टूल्स इस्तेमाल हो सकते हैं, ये टूल्स डिफरेंट एडिन्स हैं जो कि आरटीएस डेस्कटॉप के अंदर भी आप उसको यूज कर सकते हैं, जिस तरह से एक्सरे एडिन है, एक जियो डेटाबेस डायग्रामर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ज्योमेट्रिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, स्पार्क्स सिस्टम है, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट है, इसको आप गूगल सर्च करके या एजरी की वेबसाइट के ऊपर भी आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो जियो डेटाबेसिस को डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट तरीक़ाकार जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। आप उसको मैंने आपको लूसिड चार्ट और माइक्रोसॉफ्ट विजियो के बारे में पहले बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट विजियो, लूसिड चार्ट, ठीक है, इनके ज़रिए भी आप जियो डेटाबेसिस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास मल्टी ऑप्शन हैं कि जिससे आप जियो डेटाबेसिस को डिज़ाइन कर सकें। उसके बाद आपके पास जो जियो डेटाबेस बेसिस का जो वर्क फ्लो है, फिजिकल फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्चुअल मॉडल से लेके लॉजिकल मॉडल और फिजिकल मॉडल बनाने तक, उसका जो मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग का वर्क फ्लो है वो इस स्लाइड के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कि जो आपका कंसेप्चुअल डिज़ाइन है, कंसेप्चुअल डिज़ाइन में आप कुछ चीज़ों को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, अपने लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर आप अपने जियो डेटाबेसिस को डिज़ाइन करते हैं, और उसके बाद लॉजिकल डिज़ाइन के बाद आप उसको फिजिकली उस जियो डेटाबेस को बनाते हैं। इसको मैं इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज ये टॉपिक जो है हम ऑलरेडी बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, जियो डेटाबेसिस के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो एजरी की तरफ से रिकमेंडेड है, यानी एजरी ने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी अगर आप अपना जियो डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपके डेटा के अंदर एरर्स को के चांसेस को कम कर सकें और आपका जो जियो डेटाबेस है उसको बेहतर तौर पर डिज़ाइन कर सकें, वो क्या क्या हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपना जो एग्जिस्टिंग आरजीएस डेटा मॉडल्स हैं उसमें आपके जो फीचर डेटा सेट्स हैं उसमें जो रिडंडेंट फीचर्स हैं, यानी वो फीचर्स जो आपके डेटाबेसिस के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, रिडंडेंट फीचर्स हैं, उन रिडंडेंस फीचर्स को, रिडंडेंसी को आप रिमूव करें, ठीक है, और इसके अलावा जो स्टैंड अलोन फीचर्स, फीचर क्लासेस हैं, ठीक है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉसिबली स्प्लिट फीचर क्लासेस पर स्केल लेवल्स, ठीक है, उनका कहना ये है कि जो फीचर क्लासेस हैं उनको डिफरेंट स्केल लेवल्स के ऊपर आप स्प्लिट कर लें। फॉर एग्जांपल, जो डिफरेंट स्केल के ऊपर जब आप किसी फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है, तो उनको स्प्लिट कर लेना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्जांपल, आप अपने मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर अगर किसी फीचर को आप जूम इन करके देखते हैं तो वो जब जूम इन होता है, लेट्स से कि एक रिवर है, उस रिवर को आपने जब जूम इन किया अपने मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, तो उस जूम इन करने से आपको उस रिवर की जो डिटेल्ड ट्रैक है या डिटेल जो कोर्स है वो आपको नजर आएगा। इसी तरह से बाउंड्री लाइंस होती हैं, बाउंड्री लाइंस स्मॉल स्केल के ऊपर डिफरेंट तरह से अपीयर होती हैं, लार्जर स्केल के ऊपर जो है बाउंड्री लाइंस डिफरेंट तरीके से अपीयर होती हैं, लेकिन अगर हम उनको स्केल्स को, अगर फीचर क्लासेस को हम स्प्लिट नहीं करते डिफरेंट स्केल्स के ऊपर, तो जो हमने बहुत डिटेल में एक डेटा सेट बनाया होता है या बाउंड्रीज को बहुत डिटेल के साथ हमने डिजिटाइज किया होता है, वो डिटेल स्मॉल स्केल के ऊपर जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। स्मॉल स्केल के ऊपर इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक सिटी प्लान बना रहे हैं, लेट्स से कि आपने एक सिटी प्लान बनाया, आपने उसके अंदर जो है वो
लैंड यूज की जोनिंग की, लैंड यूज की जोनिंग करने के बाद आपने सारी बाउंड्रीज वगैरह पार्सल बाउंड्री इसको ड्रॉ कर दिया, लेकिन जब आप इसको जूम आउट करेंगे अपने पूरे बड़े एरिया को देखने के लिए, तो वो जो बाउंड्रीज आपने बहुत डिटेल में डिजिटाइज की है वो स्मॉल स्केल मैप के ऊपर आपको एक एरिया फीचर के तौर पर नजर आएगी। यानी वो बाउंड्रीज जो है वो इतनी बारीक नहीं हो सकती कि वो उस स्केल लेवल के ऊपर जो है वो आपको बारीक लाइंस में नजर आए, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो एजरी की तरफ से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रिकमेंडेड हैं उसमें ये भी है कि आप डिफरेंट स्केल के ऊपर अपनी फीचर क्लासेस को स्प्लिट करें। अच्छा, कॉम्प्लेक्स और एट्रीब्यूट रिलेशनशिप क्लासेस जो हैं वो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। टेस्ट, रिफाइन एंड ट्यून द डेटा मॉडल्स, अपने डेटा मॉडल्स को आप टेस्ट करें, रिफाइन करें, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करें, और उसके बाद जितनी भी ये रिडंडेंसी हैं, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, एरर्स हैं, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट रिलेटेड फीचर क्लासेस यूजिंग टोपोलॉजी, टोपोलॉजी को यूज करते हुए आप अपने फीचर क्लासेस को जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। टोपोलॉजी जो है वो बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप को कहते हैं। उसके लिए आप कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपका जो डिफरेंट फीचर क्लासेस हैं वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो सकती हैं। डिप्लॉय नेसेसरी इंफॉर्मेशन मॉडल्स, ठीक है, ज्योमेट्रिक नेटवर्क, यूटिलिटी नेटवर्क। जो ज्योमेट्रिक नेटवर्क है और यूटिलिटी नेटवर्क, ये दो टर्मिनोलॉजी जो है वो बेसिकली उन नेटवर्क टाइप्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल, जो यूटिलिटी नेटवर्क है इसमें आपकी शहर के अंदर जितनी भी यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनका उनकी नेटवर्क लाइंस हैं। जिस तरह से आपकी वाटर पाइपलाइंस हैं, वाटर सप्लाई की लाइंस हैं, सीवरेज पाइपलाइंस की लाइंस हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, केबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इंटरनेट केबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो ये जितनी भी आपकी लाइंस हैं या ये जो नेटवर्क बनता है इसको यूटिलिटी नेटवर्क कहते हैं। जो ज्योमेट्रिक नेटवर्क है, ज्योमेट्रिक नेटवर्क से मुराद आपका इसी यूटिलिटी नेटवर्क का ही एक आपने एक ज्योमेट्री क्रिएट करनी है। ये जो ज्योमेट्री है ये रोड की ज्योमेट्री भी हो सकती है, ये आपकी यूटिलिटी नेटवर्क की ज्योमेट्री भी हो सकती है। अच्छा, एक जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके डेटाबेस का, उसमें जितने भी फीचर क्लासेस हैं उनका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप जनरल जियो डेटाबेस के अंदर अपने फीचर क्लासेस रखेंगे तो डिफरेंट तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के ऊपर बना हुआ डेटा जो है उसके अंदर आप रख सकते हैं, लेकिन जब आप जियो डेटाबेस के अंदर एक फीचर डेटा सेट क्रिएट करते हैं तो फीचर डेटा सेट के अंदर जो भी फीचर क्लासेस आप रखेंगे वो फीचर क्लासेस एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर होंगी, तो उसके लिए वो एक्सेप्टेबल होगी। अगर उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो डिफरेंट है तो उसके लिए अलाउ नहीं करेगा कि आप उस डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम की फीचर क्लास को एक सिंगल फीचर डेटा सेट के अंदर स्टोर कर सकें। जियो डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकेंगे, लेकिन इनसाइड द जियो डेटाबेस फीचर डेटा सेट के अंदर उसको स्टोर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इन पॉइंट्स को जो है वो आप डिटेल में आप देख लीजिए, ये एजरी की वेबसाइट के ऊपर आपको ये बेस्ट प्रैक्टिसेस मिल जाएंगी, ये गाइडलाइंस मिल जाएंगी, की कंसिडरेशंस क्या होनी चाहिए इसके ऊपर भी ये आपको जो है ये गाइडलाइन मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आर्कजीआईएस के अंदर है, आर्कजीआईएस डेटा रिव्यूअर चेक। जियो डेटाबेस बनाते हुए ये जो जियो डेटा रिव्यूअर चेक्स हैं, इन डेटा रिव्यूअर चेक्स को चेक करना हर डेटाबेस को बनाने के बाद, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी एज अ जीआईएस मैनेजर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जब आप अपने जीआईएस डेटा को मैनेज कर रहे हैं, अपने जियो डेटाबेसेस के अंदर अपने फीचर क्लासेस को मैनेज कर रहे हैं, डेटाबेसेस को मैनेज कर रहे हैं, तो आपके पास ये डेटा रिव्यूअर चेक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ख्याल रखा जाना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन सी हैं? डेटाबेसेस के कुछ वैलिडिटी चेक्स हैं, लाइक वैलिडिटी चेक्स में आपने कनेक्टिविटी उसकी चेक करनी है, ठीक है, उसकी डोमेन जो है वो आप चेक करेंगे,
ठीक है। उसके अलावा उसकी रिलेशनशिप को आप डिफाइन करेंगे, रिलेशनशिप चेक करेंगे, सब टाइप्स चेक करेंगे, उसके एट्रीब्यूट टेबल के अंदर जो चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। उसके ऊपर आप एसक्यूएल क्वेरी, सीक्वल क्वेरी जो है उसको अप्लाई करके देखें कि आपका जो डेटाबेस है क्या वो आपकी आपकी क्वेरीज को एंटरटेन कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो जो डेटा रिव्यूअर है, डेटा रिव्यूअर के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि वो अपने डेटाबेसेस को और एट्रीब्यूट टेबल्स को सही तौर पे चेक करके देखे और उसके ऊपर ये क्यूरीज अप्लाई करके देखे कि क्या आपका डेटा जो है वो सही तौर पे एंटर किया गया है। उसके अलावा उसके जो एक्सप्रेशंस हैं आपके एट्रीब्यूट टेबल के अंदर, जो एक्सप्रेशंस हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डेटा रिव्यूअर की जो जॉब है या जो डेटा रिव्यूअर का काम है वो इस हवाले से अच्छा खासा टफ काम है, क्योंकि डेटा रिव्यूअर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डेटा उसके पास इकट्ठा हो रहा है, जो वो कलेक्ट कर रहा है डेटा, उस डेटा के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि उसने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो डेटा को मैनेज करना है। अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर तो आप जिस तरह से भी डेटा को मैनेज कर सकते हैं, बट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उनका डेटा जो है उसमें किसी किस्म की कोई एरर नहीं आनी चाहिए। बिकॉज उनका काम ये है कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स को आगे उस ऑर्गेनाइजेशन ने वो डेटा या वो सर्विस जो है उसको प्रोवाइड करना है। तो उसमें डेटा रिडंडेंसी जो है वो किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। क्लाइंट तक या एंड यूजर तक आपका जो डेटा है वो बिल्कुल एरर फ्री पहुंचना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा टोपोलॉजी चेक्स हैं, एडवांस चेक्स हैं, इनको आप देख लें, इनको डिटेल में आप आरबीएस रिव्यूअर डेटा चेक्स जो है उसके डॉक्यूमेंट में आपको ये डिटेल के अंदर जो है वो ये चीज़ें मिल जाएंगी कि लाइक आपकी जो टोपोलॉजी है उसके अंदर कोई एरर्स नहीं होना चाहिए, कोई डैंगलिंग नोड्स नहीं होने चाहिए, ओवर शूट्स नहीं होनी चाहिए, अंडर शूट्स ना हो, ठीक है। आपकी जो नेटवर्क ज्योमेट्री है वो सही तौर पे कनेक्टेड है, आपकी नेटवर्क के अंदर डुप्लीकेशन नहीं है, आपकी नेटवर्क के एट्रीब्यूट के अंदर कोई डुप्लीकेशन नहीं है, आपके जो फीचर्स हैं स्टैंड अलोन नहीं है स्पेशली नेटवर्क की, ठीक है। इसी तरह से आपके जो पॉलीगॉन के फीचर्स हैं, पॉलीगॉन के फीचर्स ओवरलैप नहीं है, उनकी बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं है, उसमें स्लिवर पॉलीगॉन्स नहीं है, वियर्ड पॉलीगॉन्स नहीं है, ठीक है। लाइन इन पॉलीगॉन का कोई एरर तो नहीं आ रहा, पॉइंट ऑन पॉलीगॉन का एरर तो नहीं है, पॉइंट इन लाइन का एरर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जो लीनियर फीचर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंसी उनकी मौजूद है, पॉलीगॉन्स के अंदर कोई किसी किस्म का क्लोजिंग एरर तो नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसमें चेक्स जो हैं डेटा रिव्यूअर चेक्स वो मौजूद हैं, ठीक है। जी वैल्यू चेक्स, अच्छा, एट्रीब्यूट्स के अलावा उसका जो स्टेटिस्टिकल डेटा है, स्टेटिस्टिकल डेटा के ऊपर भी आपको चेक करने की ज़रूरत है कि उसका जो आपका स्टैटिस्टिकल डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका जो स्टेट उसकी जो जी वैल्यूज हैं, उसके अलावा उस डेटा के ऊपर आपने कोई स्टैटिस्टिक सप्लाई की, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स हैं वो उनके अंदर तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल कुछ कुछ एट्रीब्यूट के कॉलम्स ऐसे हैं या फील्ड्स ऐसे हैं जो कि आप अपने डेटाबेस के अंदर से जनरेट करते हैं, वो फील्ड्स उनके अंदर लाइक दो कॉलम्स की मल्टीप्लिकेशन से आपने एक तीसरा कॉलम जो है उसको जनरेट किया, या आपने कोई स्टैटिस्टिकल फंक्शन अप्लाई करके उसके ऊपर या मैथमेटिकल फॉर्मूला के जरिए जो है वो आपने एक नया फील्ड जनरेट किया, या नियर टेबल आप जनरेट करते हैं, या आप उसके अंदर डायमेंशन को जनरेट करते हैं, एंगल्स को जनरेट करते हैं, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपके जियो डेटाबेसिस के अंदर क्रिएट होती हैं और आपके एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर से बहुत सा डेटा जो है कॉम्प्लेक्स किस्म की मल्टीप्लिकेशंस के साथ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की मदद से ये जनरेट होती हैं, तो उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो ये सारा काम जो है ये डेटा रिव्यूअर का है। डुप्लीकेट ज्योमेट्री चेक्स, जैसा पहले मैंने आपको बताया कि जो ज्योमेट्रिकल फीचर्स हैं उनके अंदर कोई डुप्लीकेशन तो नहीं आ रही, ओवरलैपिंग तो नहीं आ रही, नोड्स एक दूसरे के साथ सही तौर पे कनेक्टेड हैं, नोड्स में कोई ओवरशूट अंडरशूट या
इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये डेटाबेस मैनेजर की या जीआईएस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो जीआईएस मैनेजर जो है वो इन सारी चीजों का ख्याल रखे। ये लेक्चर जो है यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।